हेलो एवरीवन, तो आज हम स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट के वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं जो प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो पाए। तो अगर आपने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट का वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है कि 4225 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मैनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। सो जितना नंबर ऑफ रोज है उतना ही प्लांट्स हैं हर रो में, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, वही है। सो यहां फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करेंगे दैट लेट देयर आर एट्स रोज, therefore we have x plants in each row. Now total number of plants, ye kya टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। तब देखो कैसे है ये, अगर सेटअप इसका समझना चाहो तो ये ऐसा है कि यहां फोर नंबर ऑफ रोज है और जितना रो है हर रो में उतना ही प्लांट। जैसे अगर ये फोर होता सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16, ठीक है। तो ये इतना ही आ जाता, मतलब इधर पे 4 तो यहां भी 4, 4 into 4। सो इस क्वेश्चन में भी यही होगा, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितना, एक्स स्क्वायर। टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितना हो गया हमारा, एक्स स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कितना प्लांट हमें गार्डन में डालना था, 4 to 2, 5 इतना ही प्लांट करना है। सो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 to 2, 5। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट both sides we get, so x is equal to square root of 4 2 2 5। अब इसका हमें करना है फैक्टराइजेशन। तो लास्ट डे आपने ये भी देखा हुआ था कि मैंने क्या बोला था, एक अगर लास्ट में 5 हो जाए, बार बार इसीलिए बोला गया कि अगर वो वीडियो नहीं देखा तो पहले देख लें। तो अगर ऐसा कुछ हो n into 5 और n into 5, ऐसा कोई भी नंबर लाइक 15 हो 25 हो, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ 25 और n into n plus 1। तो क्या ऐसा कुछ यहाँ दिख रहा है, क्या ऐसा कुछ दिख रहा है, यहाँ 25 है और ये क्या है 6 into 7 है, इसका मतलब ये 65 है। ऐसे ही आपको समझ में आ गया, एग्जाम में ऐसे दिखाना नहीं, क्या कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि ये 65 है ना, तो हम इसको ऐसा लिख देंगे दैट एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 65 के लिए 13 into 13, 5 into 5, यानी एक्स इज इक्वल टू 13 into 5, सो 65। तो एक्स इज इक्वल टू 65 ये लिख के अगर आ जाओ तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपसे एक्स का वैल्यू पूछा नहीं गया था। पूछा गया था दैट फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। सो द नंबर ऑफ रोज इज 65 एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इज 65, ठीक है। ये दोनों लिखना है, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, और प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने यहाँ दिखाया नहीं है, आप दिखाना है। क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पिछले वीडियो में सिखा दिया गया है, आप कैसे करोगे
ठीक है, 4 2 2 5, यहाँ पहले 5 फिर 5 फिर यहाँ 13 और फिर यहाँ 13, ठीक है, यही आने वाला है, ठीक है ना, या यहाँ 13 रह जाएगा, यहाँ नहीं 13, यानी यहाँ पे 169 ही आने वाला है, 5 से डिवाइड करके ये भी जो है वो नहीं लेना, लेकिन आपको यहाँ से पता है तो आप ये आराम से लिख लोगे। इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि आपको बार बार वो नंबर्स 1 2 3 4 5 ये चूज नहीं करना पड़ा, ठीक है, 5 से लिखे लो 8845, ठीक, चलो तो ये दिखा देना क्योंकि आप प्राइम फैक्टराइजेशन से कर रहे हो, कोई एक मेथड तो दिखाना आपको, समझ में आता है ये पूरा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 1936 ये दिया हुआ है, एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स द ब्रेथ, नाउ फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल होता कैसा है, कुछ ऐसा, ठीक है, ये ऐसा मतलब थोड़ा ज्यादा भी होता है, बट मैंने ये 4 टाइम्स लिखे इसलिए ऐसा लिया है कि लेंथ जो है वो 4 टाइम्स लिखे, ठीक है, लेंथ अलग और ब्रेथ अलग होता है, और इसका एरिया जो है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो यहां पे लेंथ लेट ब्रेथ इज इक्वल टू, ब्रेथ को बहुत ज्यादा विड्थ भी बोला जाता है, ठीक है, ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स मीटर, मीटर कैसे लिया, अगर कुछ नहीं दिया होता तो यूनिट लिखते, बट एक्स मीटर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एरिया में दिया हुआ है, यहां पे एरिया में दे रखा है स्क्वायर मीटर ना, इफ ब्रेथ इज एक्स लेंथ इज इक्वल टू 4x, एज ब्रेथ इज लेंथ इज 4 टाइम्स ऑफ द ब्रेथ, लेंथ इज 4 टाइम्स ऑफ द ब्रेथ, सो नाउ एरिया इज इक्वल टू योर 4x इंटू एक्स, सो 4x स्क्वायर, एंड ऑब्वियसली यहाँ मीटर होगा और ये स्क्वायर मीटर होगा, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर मीटर या मीटर्स। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम जो हमारा दिया हुआ है, देखो 1936 ये ना, सो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1936, तो अब अपना एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इज 1936 डिवाइडेड बाई 4, एरिया वो था और एरिया यहाँ से मेरा 4x स्क्वायर आया था, अब ये 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं क्या है कि 500 होता तो 2000 हो जाता मेरा आराम से, यहाँ 64 कम है यानी 64 इंटू 4 ना, मतलब मेरा 64 कम है तो 16 कम हो जाएगा, ये भी डिवीजन का एक तरीका है, तो ये 484 आएगा, नॉर्मल डिवीजन से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, तो आपका 484 आ गया, ठीक है, नॉर्मल से भी करोगे यही आएगा 484। अब 484 जो है वो फिर से एक्स स्क्वायर, अगर 484 है तो लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 484। अब 484 को फैक्टराइज करते हैं, 2 से 244, ठीक है, फिर 2 से किया सो 242, 2 से किया तो 121, और ये 11 से 11 टाइम्स, सो ये सीधा क्या हो गया आपका 2 × 2 × 11 × 11, ऑर्डर पेयर है, पेयर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इक्वल प्राइम फैक्टर्स, सो ये आ गया मेरा 2 × 11, तो एक्स हो गया 22, तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, एक्स अगर 22 हो गया तो हमारा लेंथ जो है रिक्वायर्ड लेंथ वो हो गया, एक्चुअली ब्रेथ हो गया 22 मीटर और लेंथ हो गया 22 × 4, दैट इज 88 मीटर। तो आपको फाइनल क्या करना है, स्टेटमेंट लिखना है ऐसा जो आपको यहाँ दिख रहा है कि द लेंथ
ऑफ द रेक्टेंगल इज 88 एंड द ब्रेथ इज 22, या फिर डायमेंशन ऐसा लिख सकते हैं, डायमेंशन इज 88 क्रॉस 22, लेंथ क्रॉस ब्रेथ लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, इसको अच्छे से पढ़ना, पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ना। ठीक है, क्या है, इन अ स्कूल अ पीटी टीचर वांट्स टू अरेंज 2000 स्टूडेंट इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड द कॉलम फॉर पीटी। नाउ डिस्प्ले, ठीक है, पीटी डिस्प्ले, पीटी में ध्यान है, वैसा होता है ना लाइन से ऐसे बच्चे खड़े हो जाएं, ऐसे पीटी डिस्प्ले। इफ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, देखो फर्स्ट टाइम हमने ऐसा ही किया था, द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, फर्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही था, जितना प्लांट्स था हर रो में उतना ही प्लांट था जितना नंबर ऑफ रोज था, यहाँ भी वैसे ही जितना नंबर ऑफ रोज है हर रोज में एक ही टाइप उतना ही बच्चा है। देखो एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है वर्ड प्रॉब्लम, अगर वर्ड प्रॉब्लम सही से समझ जाओ तो क्या होता है, बस नाम बदल दिया जाता है, चीज बदल दिया जाता है, कोर ऑफ द प्रॉब्लम सेम होता है। ठीक है, जो जीस्ट होता है वो सेम रहता है। तो यहाँ क्या है कि इसके बावजूद देखो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स एंड 64 कुड नॉट बी एकोमोडेटेड। देखो पहला दो क्वेश्चन को मिला दो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बार बार बोल रहा हूँ, पहला दो को मिला दो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे पहला दो मिला दे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, देखो यहाँ ये जो है 64 है, तो ये अगर 64 है मेरा जो नहीं एकोमोडेट हुआ, तो एकोमोडेट कितना हुआ 2000 माइनस 64, सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट एकोमोडेटेड इज 1936, नंबर ऑफ स्टूडेंट एकोमोडेटेड कितना 1936, लेट देयर आर एच रोज एंड एच स्टूडेंट्स इन ईच रोज, तो हर रो में भी एच स्टूडेंट, सो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम एच इंटू एच इज इक्वल टू 1936, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एकोमोडेटेड, ठीक है, दैट इज 1936, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1936, ये वाला पार्ट पूरा फर्स्ट क्वेश्चन में था। अब सेकेंड में मैं क्या क्यों बोल रहा हूँ, देखो सेकेंड से क्या रिलेशन है कि अभी एच स्क्वायर हो गया 1936, सो एच होगा मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 1936। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, ये 1936 से 4 डिवाइड होती है तो 484 हो गया था, यानी 1936 में और 4 है, मतलब ये जो है 484 के बाद भी, तो 2 × 2 × 11 × 11 जो था वो तो 484 के लिए था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ और 4 है, तो ये फैक्टराइजेशन आराम से हो गया, जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाओगे उतना ज़्यादा जल्दी जल्दी होगा। सो एच इज इक्वल टू 2 × 2 × 11, दैट इज 44, सो 44 स्टूडेंट्स एकोमोडेट हो गए। ठीक है, 22 × 2, 44 स्टूडेंट्स एकोमोडेट हो गया। चलो इसको चेक भी करना है, कर सकते हैं, 44 × 44, 4 × 4 = 1, 16 × 16 = 32 and 1 = 33, 3 = 16, 1936, सही भी है। सो आंसर निकालने के बाद स्क्वायर रूट का हम चेक भी कर सकते हैं, तो 44 क्या आ गया अपना, ईच नंबर ऑफ रोज 44, सो फाइंड द नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इज 44, सो देर आर 44 रोज। ठीक है, अभी तक क्लियर है। इन अ स्कूल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 कलेक्टेड 2304, ठीक है, ये पिकनिक के लिए कलेक्ट कर रहे, कितना 2304, एंड द स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब फिर वही एक ही तरह का चीज है, जितना मतलब ये दो चीज ऐसा सेम है ना, प्रोडक्ट करना है तो इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, सो एच नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब मैं पूरा स्टेटमेंट लिखने रहा हूँ, स्टेटमेंट लिखना मैंने फर्स्ट दो सम में तीन सम में दिखा दिया, अब मैं बस आपको समझाऊंगा। सो
एच्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एच्स हैं, चलो इस समय भी लिख देता हूं मैं, ठीक है। सो लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 7 इज इक्वल टू एक्स एंड द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ईच स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एक्स। सो टोटल कलेक्टेड अमाउंट, टोटल कलेक्टेड अमाउंट क्या होगा, अगर एक्स स्टूडेंट है, अगर 5 स्टूडेंट है, सब 5 रुपीज दे, तो 5 इंटू 5 10 स्टूडेंट्स, 10 रुपीज ईच दे, 10 इंटू 10, तो यहां भी अगर एक्स स्टूडेंट्स है, एक्स ही दे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। टोटल अमाउंट कलेक्टेड क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2304, ठीक है। सो 2304, अब 2304 आ गया, तो एक्स इज इक्वल टू, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड लिख देना, और यहाँ 2304। अब 2304 को हम करते हैं फैक्टराइज, 2304, 2 से 1, 1, 105, और यहाँ पे 2, ठीक है। फिर यहाँ 2 से क्या, 5, 1, 5, 7, 1, 2, 6, ठीक है। फिर यहाँ है 2 से, यहाँ कितना हो गया, 2, 1, 7, तो 8 and 1, 6, सो 8, 2, 144, फिर 2, 72, 2, 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3, सो नंबर्स कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 टाइम्स 2 है, तो एक्स अपना हो गया 8 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 3, ठीक है। 1, 2, 3, 4 पेयर्स ऑफ 2 और 1 हो गया 3, टोटल 48। सो 48 स्टूडेंट्स हैं और 48 ही रुपीस वो दे रहे हैं, सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 48। अच्छा समझ रहे हो, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम इसी टाइप का आपको मिला जुला के नाम बदल देगा, क्वेश्चंस इसी टाइप का रहने वाला है, ठीक है। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 7260 एंड इफ द वन नंबर इज 15 टाइम्स ऑफ द अदर नंबर देन फाइंड द नंबर। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है, हिंट के लिए मैं ही बता दे रहा हूं कि ये इस क्वेश्चन के टाइप का ही है, इसी टाइप का, टाइप यही है, ठीक है। नाउ फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 6, 9 and 15। इसके लिए सबसे पहला काम कि 6, 9 और 15 से डिविजिबल जो सबसे लीस्ट नंबर है पहले वो कैसे निकालते हैं। तो एनी नंबर, द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय दिस थ्री नंबर्स, इसके लिए आपको एलसीएम आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता एलसीएम, बहुत पुराना हो गया, एससीएफ एलसीएम भूल रहे हो, आगे बहुत जरूरत पड़ने वाला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में एससीएफ एलसीएम का, ठीक है, टेंशन का कोई बात ही नहीं है। तो आगे बढ़ते, तो 6, 9 and 15 इसका एलसीएम कैसे लिया जाता है, 6, 9, 15, 2, सो इधर आ गया 3,
थ्री, ये डिविजिबल नहीं है तो ऐसे ही रहेगा, फिर थ्री, सो वन थ्री और यहाँ फाइव, अब यहाँ थ्री और फाइव ही है, सो थ्री से वन वन, फाइव और फाइव के लिए भी वन वन और वन। तो ये जो स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाई दिस, द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाई सिक्स नाइन एंड फिफ्टीन बाई ईच वन ऑफ बाई ईच वन ऑफ सिक्स नाइन एंड फिफ्टीन इज इक्वल टू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव इज नाइंटी। नाउ द नाइंटी वी कैन सी दैट नाइंटी कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, नाउ वी कैन सी द नाइंटी कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर्स। ओके, सो 90 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो इन ऑर्डर टू मेक 90 अ स्क्वायर नंबर वी नीड टू मल्टीप्लाई अ टू हेयर एंड अ फाइव, दैट इज टू इंटू फाइव, सो बाई टेन, सो द रिक्वायर्ड नंबर, द रिक्वायर्ड, द रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू 90 इंटू 10 इज 900। नाउ द 900 इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाई 6, 9 एंड 15। ओके, सो फार सो गुड। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ फाइंड थ्री पॉजिटिव नंबर्स इन द रेशियो 2:3:5। नाउ द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 950। कोई भी नंबर जब रेशियो में हो तो हम एज्यूम कैसे करते हैं, रेशियो चैप्टर पढ़ा हुआ है, लेट द नंबर्स आर 2x, 3x एंड 5x अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। क्या है ये, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 950, सो 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 950, सो 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, सो 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 950, 4 एंड 9 13 एंड 25 इट इज 38x स्क्वायर इज इक्वल टू 950। नाउ x स्क्वायर इज इक्वल टू 950 बाई 38, 19 टू ज़ 38 एंड 19 फाइव ज़ 95, सो इट इज 50, 50 बाई 2 25, x स्क्वायर इज 25। नाउ x इज इक्वल टू टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ऑब्वियसली टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड इन राइट, दिस x इज इक्वल टू 5। नाउ द नंबर्स आर पॉजिटिव, सो टेकिंग नेगेटिव इज वर्थलेस। नाउ x इज इक्वल टू 5, सो द नंबर्स आर 2x, 3x एंड 5x, सो द नंबर्स आर, नंबर्स आर 2 इंटू 5 कॉमा 3 इंटू 5 कॉमा 5 इंटू 5, सो द नंबर्स आर 10, 15 एंड 25। अच्छा आंसर चेक भी कर लेते हैं, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 15 का 225 और इसका 625, 625 एंड 225, 850 एंड 100, 950। तो देखो गलत होगा ही नहीं, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में आप आंसर भी मैच करा सकते हो, ठीक है। चलो अब ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझना इसको। द पेरीमीटर ऑफ टू स्क्वायर्स, तो पहले थोड़ा सा जान लेते हैं जिनको नहीं पता है कि स्क्वायर्स का पेरीमीटर और एरिया के बारे में,
तो ये अगर मैं एक स्क्वायर समझूं, ये दो स्क्वायर्स हैं, तो पेरीमीटर क्या, अदर चारों साइड तो सेम होता है, तो पेरीमीटर जो होता है वो होता है 4a, और जो एरिया होता है वो होता है ए स्क्वायर, ए इंटू ए हो जाता है एरिया, ए इंटू ए हो गया एरिया, ए इंटू ए। अब यहां बोला गया द पेरीमीटर ऑफ द टू स्क्वायर्स इज 60 मीटर एंड 144 मीटर रेस्पेक्टिवली। नाउ फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अनदर स्क्वायर हुज अनदर स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ द फर्स्ट टू स्क्वायर्स, इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ फर्स्ट टू स्क्वायर्स। तो मतलब यहां पे काम क्या करना है, यहां आपको फर्स्ट का पेरीमीटर दिया हुआ है 60, यहां दिया हुआ है 144, इन दोनों का पहले साइड निकालो, फिर एरिया निकालो, और फिर निकाल लो दोनों के एरिया को ऐड करने के बाद, फिर वो बड़े वाले एरिया से हम लोग स्क्वायर रूट लेके साइड निकाल लेंगे। कैसे करते हैं देखते हैं। सो लेट द साइड्स ऑफ स्क्वायर्स बी ए एंड बी, therefore 4a is equal to 60, the perimeter, so a is equal to 60 by 4 which is 15, 4b according to problem, 4b is equal to 144, so b is equal to 144 by 4, so this is 36, b is equal to 36, area of first square is equal to 15 into 15, 15 square, so 225, and the area of the larger square, the second square, area of second square is equal to 36 into 36, so 36 into 36 is 36 3 3 6 18 and 18 18 18 36 39 3 and 1296, so this is 1296. Now the area of larger square is equal to 1296 plus 225. Now 1296 and 225. So the area is 11, 1, 9 and 2, and here it is 2 and 2, 4, and 1 carry 5 and 1, 15, 21. So the side of the larger square is equal to square root of 1521. Now you'll find the square root of this 1521. Okay, so the square root of 1521, not the division method, abhi ab division method aapne dekha nahi hai, so 1521, theek hai, isko aap dekh ke samajh mein aa raha hai ki ye 3 se divisible hai, 507, theek hai, 507 ke baad yahan फिर से ये 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो ये कितना है, 1 टाइम्स, ठीक है चलो 20, 20, तो 6 और 29, 7, तो ये 9 टाइम्स, या फिर ये 13 से 13, सो साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर इज इक्वल टू
3 into 3 into 13 into 13 is the square root. That is 3 into 13, 39 meter. तो ये हो गया 39 meters. अब पूछा गया था the perimeter. So the perimeter of larger बोला या of another square जो दिया गया था बाद में. Of another ही बोल देते हैं question में जो दिया. Another square is equal to 4 into a side, 4 into 39, which is 156 meter. तो यहाँ तक जितना टाइप मुझे लगा आपको देना चाहिए वो मैंने दिखा दिया. जो क्वेश्चन बोला गया है उसे आप कमेंट में बताओगे आंसर. और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया हुआ है तो, ठीक है. और जो प्रीवियस वीडियोज़ है वो आपने नहीं देखा है तो वो देखें. और इसके बाद अब आने वाला है और दो वीडियोज़ स्क्वायर्स पे. तीन पार्ट हो गया, चौथा पार्ट जो है वो है लॉन्ग डिविज़न मेथड का, और फिर है आपका लॉन्ग रिवीजन मेथड को यूज करके वर्ड प्रॉब्लम्स. चलो, थैंक यू.